हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तत्काल टिकट के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले IRCTC का एक अपडेट आपको और बता देता हूं। भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC ने अपने ग्राहकों के डेटा मोनिटाइजेशन यानी कि जो डेटा बेचने का प्लान था उसके लिए सलाहकार नियुक्त करने संबंधी विवाद इस पर टेंडर को वापस ले लिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्राइवेसी पर चिंताओं के बाद ये फैसला लिया गया है, यानी कि अब IRCTC अपना प्राइवेट डाटा किसी भी कंपनी के हाथ नहीं बेचने वाला है। ये फाइनल डिसीजन हो चुका है IRCTC का। अब बताता हूं आपको तत्काल टिकट के ऊपर जो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। रेलवे की तमाम कार्रवाई के बाद भी दलालों की सेंधमारी नहीं थम रही है। रेलवे ने पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड 37 लाख से अधिक यूजर ID को सस्पेंड किया है, लेकिन दोस्तों साल 2022 का अगर डेटा निकाल कर बात करें तो इस साल करीब करीब 11,62,000 ID सस्पेंड कर दी गई है IRCTC की, जो कि पर्सनल ID से तत्काल टिकट बुक किए जा रहे थे और काफी ज्यादा क्वांटिटी में बुक किए जा रहे थे। लगातार अलग अलग बैंकों से पेमेंट हो रहा था, उनको ट्रैक करके उनको बंद कर दिया गया है, हमेशा के लिए सस्पेंड कर दी गई है। अगर आपको भी अपनी ID देखना है तो प्लीज चेक कर लीजिए। हो सकता है अगर आपने तत्काल टिकट इधर ज्यादा किए होंगे और रेलवे ने ट्रैक कर लिया होगा तो आपकी भी ID सस्पेंड कर दी गई हो, क्योंकि 11,62,000 ID सस्पेंड कर दी गई हैं। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।